अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका शीज़ा टाइम में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनली हम लोग अपने गांव पहुँच चुके थे और कुछ रीज़न के वजह से मुझे गांव आने वाली वीडियो डिलीट करनी पड़ी, वो मैं आप लोग को पूरा बता दूंगी किस वजह से। सो उसके बाद फिर अब हम लोग ने सोचा, बहुत देर से हम लोग यहाँ पे आए थे तो बस अब हम लोग घर जा रहे थे क्योंकि भूख भी लगाई थी काफ़ी तेज़ से और हम लोग बिना कुछ खाए निकले थे। सो फटाफट से जब हम लोग घर आ गए तो फिर थोड़ा बहुत जानते हैं आप लोग गांव में भाई आग जलना है, गैस पे तो बिल्कुल नहीं, चूल्हे पे। तो यहाँ मम्मा आग जला रही थी, मैंने सोचा पहले थोड़ा सा हाथ वगैरह सेक लूँ और उसके बाद देखते हैं कि हम लोग को भूख का क्या अपना वो करना है। तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी पास्ता बना लेते हैं। सो बस यहाँ पे मैं अपना पास्ता रेडी कर रही थी और उसके साथ साथ छत का भी व्यू मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए मौसम बहुत ज़्यादा मतलब बारिश वाला एकदम हो रहा था, लेकिन बहुत अच्छा माशाल्लाह यहाँ से पूरा व्यू दिखता है। और ये देखिए मतलब सीन ही अलग रहती है गांव की यार, नानी का घर सब लोग जाते होंगे। और ये यहाँ की बहुत फेमस पूर्वी है जो आप सामने देख रहे हो, बिकॉज़ मैं आप लोग को इसकी फुल स्टोरी ज़रूर दूंगी इफ़ यू हैव इंटरेस्टेड। सो प्लीज़ कमेंट मी एंड आई विल टेल यू। सो ये देखिए बस यहाँ पे हम अपने इंग्रेडिएंट तैयार कर रहे थे। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च लिया है, प्याज लिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें अदरक लहसुन, ये देसी स्टाइल है सो इसमें मैंने फटाफट से ऐसे बस चॉप कर लिया था। और यहाँ चाय भी बन रही थी और हमारा पास्ता भी बन रहा था। सो जल्दी जल्दी देखते हैं अब हम लोग। ये देखिए अदरक लहसुन यहाँ पे। सो ये देखिए ये हमारी सारी इंग्रेडिएंट्स, थोड़ी सी मटर, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, मिर्च और पास्ता मसाला, सारी इंग्रेडिएंट्स मैंने डाल दी और आप लोग देख लीजिए। पास्ता इंजॉय करिएगा आप लोग भी। और इस तरह पास्ता बनाना इजी रहता है अगर आपके पास फुल इंग्रेडिएंट भी है और सारी चीज़ें आपकी अच्छे से रखी हैं। और क्या कहते हैं, पास्ता भी बॉईल हो गया था, हमारी ग्रेवी भी तैयार थी, बस अब उसको हम लोग को डालना है। ये देखिए यहाँ पे हमारा पास्ता बन के बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया था। ये है हमारी पास्ते की डिश, अगर आपको अच्छी लगी है तो बताइएगा तो मैं फुल दूँगी। उसके बाद बारी आती है हमारे चिकन बिरयानी की, क्योंकि उसी दिन हमारे मामी की एनिवर्सरी थी। सो यहाँ पे मम्मा चिकन मैरिनेट कर रही थी और उन्होंने चिकन मैरिनेशन में हल्दी, नमक, दही वगैरह यही सब किया था, मतलब जैसे मैरिनेशन होता है। और चाची शाही और मामी हमारी शाही टुकड़े बना रही थी। ये देखिए हमारी बिरयानी माशाल्लाह, यहाँ पे मम्मा ने उसके लेयर्स लगा के ऊपर से उसको डेकोरेट कर दिया है। क्योंकि मैं फुल रिव्यू नहीं दे रही हूँ, मैं आप लोग को बाद में दूंगी इंशाल्लाह जब मैं बनाऊँगी। ये तो मैं आप लोग को दिखा रही थी यार, गांव में ठंड और फिर चिकन बिरयानी इंजॉय करना, ये देखिए। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय।